तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम मिनिस्ट्रीज़ को डिस्कस करते हैं और तीन मेन मिनिस्ट्रीज़ जो हैं जिसको हमने डिस्कस करना है उनमें सबसे पहले हम लियाकत अली खान एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। इनका पीरियड 1948 to 1951 है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो हमारी मेन पर्सनैलिटी है, मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें अगर हम बात करें तो वो गवर्नर जनरल की बात होगी और उसमें थर्ड गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक, ग़ुलाम मोहम्मद बोला जाता है इनको, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। इनका पीरियड स्टार्ट हुआ 1951 से 1955 तक। और इसके बाद जो है थर्ड पर्सनैलिटी की हम बात करें और थर्ड पर्सनैलिटी जो हम डिस्कस करेंगे वो सिकंदर मिर्ज़ा को डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे। तो इनको 1955 से लेकर 1958 तक का जो इनका पीरियड था उसमें इनको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा एपिसोड है इसके अंदर हम मेन तो इनकी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कंबाइन करके आ जाता है, वो आपसे कहता है कि जी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं पीरियड दे दिया जाएगा 47 से 58 तक की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी इनको डिस्कस करें। एक तो पोर्शन इस तरह से आपको दिया जा सकता है, सेकंड ये है कि इंडिविजुअल भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे वो दे सकता है आपको, यानी आपको एक बंदा भी दिया जा सकता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज इन्हीं में से कोई एक पर्सनैलिटी, लाइक हम लियाकत अली खान ही कर लेते हैं, हाउ सक्सेसफुल वाज लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर आगे पीरियड आ जाएगा फ्रॉम 1947 to 1951। तो ये दोनों कैटेगरीज के अंदर जो है ये आपने तैयार करना है। परेशान नहीं होना, कंटेंट इस तरह आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा कि आपको अगर इंडिविजुअल दिया जाएगा तो भी कवर कर जाएंगे और अगर इसको कंबाइन दिया जाएगा तो भी कवर कर जाएंगे। तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी लियाकत अली खान है और लियाकत अली खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमने देखना है। पीरियड इनका जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया, 1948 से 1951 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये रहे हैं। इससे पहले जो है ये इनका एक रोल जो था वो इस तरह का इतना यानी एक्टिव रोल नहीं था। नो डाउट ये प्राइम मिनिस्टर थे बट एक्टिव रोल इनका जो है वो नहीं था, क्योंकि उस वक्त गवर्नर जनरल जो थे पहले एक साल में वो कायदे आज़म साहब खुद थे। तो उनके दौर में इनका खास पीरियड जो है वो सक्सेस से आप देखें तो वो नहीं बनती। उसके बाद इनका पीरियड जो है उनकी डेथ के बाद, चूँकि ये उनके राइट हैंड थे और आप कह सकते हैं उनके लेफ्टिनेंट टाइप सेटअप इनका था, तो सबसे ज़्यादा आवाम जो है कायदे आज़म साहब के बाद इनके ऊपर रिलाय करती थी और इन पे ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो किया जा सकता था, क्योंकि उससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जो 1955-56 के जो इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया की बनी थी उसमें भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो था और उसके अंदर ये फर्स्ट इंडियन के जो इंडियन आप समझ लें फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उसका पोर्टफोलियो भी रखते थे। लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी थी, तो आवाम की सपोर्ट जो थी वो इनको मौजूद थी। तो अब हम इनके पीरियड को देखते हैं, पहले सक्सेसेस देख लेते हैं और फिर इनके फेलियर्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम सक्सेसेस की बात करें तो नंबर वन पे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो कि 12 मार्च 1949 के अंदर जो है इन्होंने प्रेजेंट किया, इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो जो है उसमें भी डिस्कस की है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ तो इसके अंदर ये था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी डेवलपमेंट के अंदर पहला स्टेप बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगी, उसके अलावा बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया इस रेजोल्यूशन के अंदर, रिलीजियस फ्रीडम दिया गया आवाम को और BPC जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कायदे आज़म साहब ने बनवाई थी और कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना के दें, तो BPC ने भी इसको उसी का ये प्रपोजल था लिहाजा इसको एक्सेप्ट किया गया। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने भी इसको एक्सेप्ट किया। उलमा जो थे दे वर वेरी प्लीज कि जी एक प्रॉपर इस्लामिक स्टेट जो है वो बनने जा रही है और इसको जो है जो ओवरऑल सपोर्ट थी गवर्नमेंट की, जो सपोर्ट लियाकत अली खान की, वो बड़ी इंक्रीज हुई इसकी वजह से और हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज प्रियम्बल ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कह यूँ कहें कि ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान और इसी की बेस के ऊपर जितने भी पाकिस्तान के तीन फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उनकी जो आप समझ ले सारी थीम है वो यहीं से ले गई, इसीलिए इसको प्रियम्बल कहा जाता है। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी जो मेन थीम है वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई है, लिहाजा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये इनकी एक सक्सेस थी। पॉइंट नंबर टू की तरफ जो सक्सेस पॉइंट नंबर टू बनता है वो था कि लियाकत अली खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को एक सरप्लस बजट जो है वो दिया, यानी ये पाकिस्तान का पहला बजट आप कह लें, ऐसा बजट पाकिस्तान को मिला जिसके अंदर पाकिस्तान का सरप्लस था, यानी उसके कोई अंदर डेफिसिट नहीं था, खसारा नहीं था, इनकम थी और पैसा जो है वो मोस्टली खुद से लगाया गया। तो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी जो है उस डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा था, फाइनेंशियली पाकिस्तान बहुत वीक था लेकिन उसको एक
स्ट्रॉन्ग समझ लो बजट जो है वो दिया गया और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हुई। देन इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री की अगर हम बात करें तो वो ये था कि इस टाइम अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी उस वक्त तक पाकिस्तान के जो आर्मी कमांड थी वो अभी भी जनरल ग्रेजी के पास थी, यानी जो कि एक ब्रिटिश आर्मी चीफ आर्मी ऑफिसर्स थे। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि पाकिस्तान को अपना एक मुसलमान सीएनसी जो है यानी कि चीफ एंड कमांड ऑफिसर जो है वो देना चाहिए। सो इन्होंने अयूब खान को फर्स्ट सीएनसी यानी चीफ एंड कमांड ऑफिसर जो है ये बनाया गया। यही पोस्ट बाद में भुट्टो साहब ने चेंज की थी और इस पोस्ट का नाम आर्मी चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह लेंगे रखा गया था। तो अयूब खान की अपॉइंटमेंट की वजह से एक तो ये था कि फ़र्स्ट आप कह लें पाकिस्तान को अपना एक आर्मी चीफ मिला, और साथ ही साथ इसके दौर के अंदर एक रावलपिंडी कॉन्स्परेसी हुई, यानी कुछ लोग जो थे आर्मी के ही कुछ लोग थे जो चाहते थे कि कू किया जाए यानी कि मार्शल लॉ लगाया जाए, लेकिन अयूब खान की सपोर्ट की वजह से ये मार्शल लॉ जो है ये नहीं लगने दिया गया और रावलपिंडी कॉन्स्परेसी 1951 जो है ये ख़त्म कर दी गई और सक्सेसफुल ख़त्म की गई। तो ये इनकी एक सक्सेस बनती है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, इनकी जो सक्सेस पॉइंट नंबर फोर बनता है वो ये है कि लियाकत अली खान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसको लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं या इसको माइनॉरिटी पैक्ट भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। इससे ये था कि जो माइनॉरिटीज़ थी दोनों साइड्स की उनकी प्रोटेक्शन हुई। ये वहाँ पे चले गए, शिमला में चले गए और वहाँ पे इन्होंने ये पैक्ट साइन किया और उनसे ये बात जाके डिस्कस की कि आप वहाँ की जो जितनी भी माइनॉरिटी है आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे और जो माइनॉरिटी इंडिया में यानी उनको नेहरू प्रोटेक्ट करेगा और जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में होगी उनको प्रोटेक्ट जो है वो लियाकत करेगा। सो इससे दोनों साइड्स की जो माइनॉरिटीज़ थी उनको एक तरह की प्रोटेक्शन मिली। यहाँ के हिंदू सेव हो गए और वहाँ के मुस्लिम जो हैं वो सेव हो गए। तो ये एक लियाकत नेहरू पैक्ट भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इनके पीरियड के अंदर। अगर हम इनके पीरियड को के फेलियर्स की तरफ आएँ तो उसमें पहले नंबर पर जो हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सक्सेस बताई थी उसके कुछ फेलियर्स भी थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नो डाउट एक अच्छी डिवेलपमेंट थी, लेकिन साथ ही साथ हम कन्फ्यूज़ थे, समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान को एक रिपब्लिक कंट्री बनाएं या इस्लामिक कंट्री बनाएं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे खासतौर पे ये लियाकत अली खान और इनकी जो कैबिनेट थी ये लोग बड़े लिबरल थे और ये कायदे आज़म के विजन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान लेके चलना चाहते थे, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं थी। चूँकि कंट्री जो थी वो जिस बेस पर बनाई गई थी, जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान थी वो प्योर एक इस्लामिक थी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस चीज़ की बेस पे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक आप समझ लें कि एक इस्लामिक टच दिया गया, और इस्लामिक टच में ये था कि मतलब मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इस्लाम की बेस पे की गई, जिससे जो माइनॉरिटीज़ थी दे वर डिसप्लीज्ड। और मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर चुका हूँ कि जोगिंदर नाथ मंडल नाम के जो लॉ मिनिस्टर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया और वो इंडिया में वापस चले गए। और माइनॉरिटीज़ ने भी जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी उन्होंने अपने आप को सेकंड क्लास सिटीज़न जो है वो कंसीडर करना शुरू कर दिया कि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान जो है वो नहीं रहा, ये मौलवियों का पाकिस्तान जो है वो बन गया। दूसरे नंबर पे अगर हम क्रिटिसाइज़ करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का तो वो ये था कि ये रेजोल्यूशन तो बन गया लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम जो है वो नहीं बनाया गया, यानी ये कब इम्प्लीमेंट होगा। इसके एक्सेप्ट होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 56 तक पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल सका। तो पाकिस्तान ने इस पीरियड में भी यानी 9 ईयर्स भी वेस्ट कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को फिर भी नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पीरियड के अंदर जो फर्स्ट बीपीसी यानी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन इस रिपोर्ट को 1950 के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान सीट्स पैरिटी जो थी यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट थी वो और ज़्यादा खुल के सामने आ गया, एक गैप आ गया, डिवीजन और ज़्यादा खुल के सामने आ गई, क्योंकि वो लोग जो थे वो 55% थे और वेस्ट पाकिस्तान जो था ये ओनली 45% था। तो सीट्स जो हैं वो कहते थे जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो इसके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा उनको रिजर्वेशंस थी, और लैंग्वेज के ऊपर भी अभी इशू चल रहे थे और ये रिलीजन की बातें जो हैं उसको भी अभी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं डिस्कस की जा रही थी। लिहाजा बीपीसी की रिपोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको लियाकत अली खान का फेलियर कंसिडर किया जाता है। फिर इनके पीरियड में परोडा नाम का एक एक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी भी डिटेल जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने दी है, यहाँ हम सिर्फ उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि परोडा जो था ये एक एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो ऑफिशियल्स हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर वो लोग जो है करप्शन करते हैं तो उनको डिसमिस किया जाएगा। ये चीज़ें अच्छी थी, परोडा एक अच्छी चीज़ थी, यानी एक करप्शन रोकने के लिए स्टार्ट किया गया इसका, लेकिन इसका मिसयूज़ हुआ
और करप्शन रोकने की बजाय इसकी वजह से करप्शन स्टार्ट हो गई और इसकी वजह से जो है आप समझ लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर आई, फ्यूचर में इसका मिसयूज़ किया गया। सो ये पीरियड था लियाकत अली खान का। इसको सक्सेस और फेलियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो सकता है, और अगर हम इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को देखें तो उस हवाले से भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब सेकेंड पर्सनैलिटी की तरफ आते हैं इसी यूनिट के अंदर, और वो है गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका जो पीरियड स्टार्ट होता है 1951 है, 1951 से 1955 तक इनका पीरियड है। ये पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल हैं। ये बात आपको ये बताता चला जाऊं कि जब कायदे आज़म साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद सेकंड गवर्नर जनरल जो थे वो बने थे पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। इनके लिए थोड़ा सा ये बता दूं, थोड़ी इनकी प्रोनाउंसिएशन भी बता दूं, लोग मतलब स्पेशली बच्चे जो हैं कभी बेचारे को निज़ामुद्दीन कह रहे होते हैं, कभी ख्वाजा ख्वाजा कह रहे हैं। प्रॉपर नेम है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ईस्ट पाकिस्तान के हैं। 1937 से इनकी सर्विसेज पॉलिटिकल शुरू होती हैं। ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आप समझ लो उनके चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो इनका एक बड़ा हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। खैर, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, सेकंड गवर्नर जनरल। तो जब लियाकत अली खान जो है इनकी असैसिनेशन हो गई, लियाकत अली खान की असैसिनेशन भी थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं कि ये 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी और वहाँ पर ये स्पीच कर रहे थे, तो इनको सैयद नंबर अकबर के नाम से जो है एक अफगान नेशनलिस्ट हैं बताया जाते हैं, उन्होंने इनको जो है वो शूट कर दिया और उस उनकी असैसिनेशन जो हुई 16 अक्टूबर 1951। उनका आज तक जो है वो प्रॉपर पता तो नहीं चल सका, लेकिन इनके जो बेटे लियाकत अली खान साहब के बेटे जो थे वो यही कहते थे कि इनकी असैसिनेशन करवाने वाले गुलाम मोहम्मद हैं, क्योंकि वो इसके जो है बेनिफिशियरी हैं और बाद में वही गवर्नर जनरल भी बने और चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो सेट करना शुरू कर दी। इसके पीछे छोटी सी एक और भी स्टोरी है, वो ये है कि जब गुलाम मोहम्मद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो लियाकत अली खान उनको हटाना चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर से हटाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को राना लियाकत अली जो कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी उनके पास भेजा। गुलाम मोहम्मद ने अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के घर भेजा कि मेरी सिफारिश करें और मुझे ना हटाएं, डिसमिस ना करें। तो लियाकत अली खान बेसिकली शरीफ आदमी थे तो उन्होंने इनको डिसमिस नहीं किया। खैर, इनको जब मौका मिला, कहा यह जाता है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक हैविंग सैड पर्सपेक्टिव है, यानी इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिबेट हुई है, होती भी रहेगी। खैर, अभी तक वो क्लियर नहीं हो सका। बहरहाल, हम बात करते हैं गुलाम मोहम्मद की। इस पीरियड की तरफ अगर आएँ, इनका पीरियड जो है वो जैसे स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर जो सक्सेसेस हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले ये था कि ही इंट्रोड्यूस्ड 5-year and 6-year डेवलपमेंट प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक प्लान थे इसके अंदर, ये था कि इकोनॉमिक सेक्टर जो था वो डिवेलप हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर पाकिस्तान का इम्प्रूव हुआ, पाकिस्तान के अंदर नई इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जूट मिल जो है वो बनाई गई। ये बात मैं बता दूं, ईस्ट पाकिस्तान प्रोडक्शन कर रहा था, वहाँ पे फैक्ट्रीज लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट पाकिस्तान फैक्ट्रीज वहाँ पे भी लग रही थी लेकिन वो बच्चे पैदा करने वाली लग रही थी, और इधर जो है वो जूट मिल्स लग रही थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। खैर, ये इनका पहला सक्सेस पॉइंट। पॉइंट नंबर टू की तरफ आएँ तो इनके पीरियड के अंदर लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस जो है ये डिस्कवर हुए, सुई का मकाम था बलूचिस्तान के अंदर, और वहाँ से पाकिस्तान को जो है करने तो वो ऑयल एक्सप्लोरेशन की जा रही थी लेकिन गैस मिल गई, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट कर गई। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो अब आप कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आप किसी से लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो पाकिस्तान इसमें ख़ुद से आपको पाकिस्तान को जो है ये यहाँ की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होना शुरू हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर थर्ड इनकी जो सक्सेस है वो ये है, ये काफ़ी अच्छी सक्सेस है। पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस था और फूड शॉर्टेज जो है वो आ गया, ड्राउट फेमाइन में पाकिस्तान जो है वो आप कह सकते हैं कि उसमें चला गया, तो पाकिस्तान के पास वीट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा वाइस डिसीजन ये लिया कि उस वक्त के जो यूएसए एम्बेसडर थे मोहम्मद अली बोगरा, ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, खैर मोहम्मद अली बोगरा को इन्होंने कहा कि जी वो अमेरिका से, कनाडा से और बाकी जो इस तरह की वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनसे हेल्प लें, तो हेल्प ली गई और पाकिस्तान को जो है मिलियन टन ऑफ वीट जो है ये पाकिस्तान को दी गई, एक तरह की डोनेशन थी जिससे पाकिस्तान ने इस फूड शॉर्टेज जो है उससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान मैनेज कर लिया और इस क्राइसिस से बाहर निकला। तो ये इनकी सक्सेसेज हैं। अगर हम इनके फेलियर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है वो था अहमदी राइट्स थे। ये स्टोरी बड़ी लंबी है लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे। पंजाब की जो गवर्नमेंट थी, पंजाब के अंदर कंट्रोल जो था वो दुल्ताना साहब हैं, आप इनको थोड़ा सर्च भी कीजिएगा, मुमताज़ दुल्ताना, इनका बड़ा कंट्रोल था पंजाब के अंदर। तो वो चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और वो सारा कंट्रोल अपने पास लेना चाहते थे क्योंकि पंजाब ही मेन प्रोविंस था।
तो वहाँ पे उन्होंने जो है ये एक सेटअप खेला, एक ये अहमदी राइट्स जो है यानी कादियानियों का एक सिलसिला उठाया। ये सिर्फ याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान में ये राइट्स नहीं हुए थे, ये सिर्फ लाहौर में हुए थे, लाहौर जो कि पंजाब और पंजाब की सारी गवर्नमेंट, तख्त लाहौर जिसके पास लाहौर उसके पास पंजाब। तो दौलताना साहब की ये एक साजिश थी, तो वो चाहते थे कि इसको जो है एक राइट्स की शेप दी जाए, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई जाए। तो इसके साथ साथ फूड शॉर्टेज भी मुल्क के अंदर थी, तो ये सारे लोग इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए। लेकिन अंदर गेम जो थी वो सारी ये डाली गई कि अहमदी जो हैं यानी कादियानी जो हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए, और जो कायदे आज़म के दौर के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स थे आप जिनका नाम आपने जफरुल्ला खान साहब याद रखना है, तो उनको भी डिसमिस कर दिया जाए और कैबिनेट के अंदर सारे कादियानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी डिसमिस कर दिया जाए और उनको नॉन मुस्लिम जो है वो डिक्लेयर किया जाए। तो ये राइट्स थे, सड़कों पर लोग निकल आए, और ये इनके पीरियड के अंदर जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अनरेस्ट था जिसको इनको फेस करना पड़ा, और इनकी सपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो गई आवाम के अंदर। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे ये था कि इनको कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री की हेल्प ली गई। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मिलिट्री जो है उसको खुद सिस्टम में लाया गया, पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया और उनसे हेल्प ली गई, तो ये फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम बन गई। इसी वजह से मार्शल लॉ जो है ये पाकिस्तान में लगे, बल्कि यहाँ पे भी लाहौर के अंदर ये राइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक तरह का मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया, और सिकंदर मिर्ज़ा उस टाइम पे आर्मी के अंदर थे और उन्होंने ये मार्शल लॉ जो है वो लाहौर के अंदर लगाया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके दौर के अंदर 1952 में सेकंड बीपीसी रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसको बहुत बुरे तरीके से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। जो प्रेजेंट करने वाले थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनका नाम जो है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की और इस रिपोर्ट को बुरे तरीके से जो है रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन की जो बड़ी वजह थी वो सीट्स का था, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग वो डिसप्लीज थे, वो चाहते थे कि सीट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी 55% सीट्स जो है वे ईस्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए एंड 45% यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान को सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर बीपीसी रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि सीट्स जो है वो 50-50 मिलनी चाहिए, 50% ईस्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए और 50% वेस्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, तो ये अनफेयर था, लिहाजा इसको रिजेक्ट किया गया। दूसरे नंबर पे बीपीसी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो मुसलमान होना चाहिए, तो इस पे जो माइनॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि फिर हम तो सेकेंड क्लास सिटीज़न हैं, तो इस वजह से भी उसको रिजेक्ट करने की एक वजह दी गई। और लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो कहते थे उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए जबकि वहाँ पर बंगला लैंग्वेज के ऊपर जो है वो बात हो रही थी, तो बंगला लैंग्वेज को पीछे रखने की कोशिश की गई। इस वजह से भी ईस्ट पाकिस्तान जो है ये बीपीसी रिपोर्ट से खुश नहीं थे, लिहाजा इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है उनको ख़ास प्रॉपर सपोर्ट जो है वो नहीं मिली। इनका एक और बड़ा ब्लंडर इन्होंने क्या किया, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जिनको बीपीसी से निकाल के अगर हम वैसे बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के अंदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, वो पॉपुलर थे, लियाकत अली खान के बाद उनको ज़्यादा लॉयल टू पाकिस्तान समझा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ख्वाजा ये जो मलिक गुलाम मोहम्मद है इन्होंने उनको डिसमिस कर दिया 1953 के अंदर, एक ऐसे शख्स को डिसमिस किया जो 1937 से एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो लिए फिर रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे, जो कि सिस्टम का पार्ट रहे, लेकिन उनको जो है अब डिसमिस किया गया, उनकी इतनी पॉपुलरिटी के बावजूद भी उनको डिसमिस कर दिया गया, तो इससे क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गया। और इनका आखिरी बड़ा ब्लंडर जो था वो 1954 और 1955 का क्राइसिस था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जब इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया, क्योंकि इनका अपना जो प्राइम मिनिस्टर जो इन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया, सो नेक्स्ट अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया वो था मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो मोहम्मद अली बोगरा जो है वो सारी पावर्स अपने आप को यानी प्राइम मिनिस्टर को देना चाहते थे। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, चूँकि वही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके पावर्स अपने आप को देना चाहिए। तो जब गुलाम मोहम्मद मुल्क से बाहर गए तो उससे जो है उन्होंने परोडा का यूज़ करके ये सारी चीज़ें अपने आप को देनी चाहिए, लेकिन जब ये वापस आए तो गुलाम मोहम्मद जब वापस आए तो इन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, और असेंबली डिसॉल्व होने के बाद इनके अपने घर के अंदर एक नई कैबिनेट बनाई गई, जिसके अंदर उन लोगों को भी कैबिनेट का पार्ट बनाया गया जो पॉलिटिशियंस नहीं थे, सॉरी टू से, लेकिन उनको सिस्टम का पार्ट बनाया गया। उस वक्त जो आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, ये उस वक्त के आप कह लें सर्विंग आपके जो आर्मी चीफ थे, उनको जो है आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, मैं अयूब खान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी सॉरी उस टाइम होते थे सिकंदर मिर्ज़ा, उनको भी आपने जो है ये एक इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरह करके लोगों को आपने मिलिट्री को आपने जो है वो पावर्स दे दी, जिन्होंने सिस्टम को जो है वो डीरेल कर दिया और
जो डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान के अंदर जैसी भी थी चल तो रही थी, लेकिन आपने खुद ही उस डेमोक्रेसी को जो है किक आउट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। सो ये इनका ओवरऑल फेलियर है। अगर इसमें कुछ थोड़ी सी और भी बातें डिस्कस करें तो ये पैरालाइज थे, ये इतने पावरफुल थे नहीं थे जितने इनको शो करवाया जाता है। इनके पीछे इनको चलाने वाले कुछ और थे। अगर मैं इनके रिज़ाइन की बात करूँ, जब ये पैरालाइज हो चुके, इनसे तो बात भी नहीं हो सकती थी, तो बल्कि कर नहीं सकते थे। तो एक तो सिस्टम को चलाने वाले, पाकिस्तान को उस वक्त जो चलाने वाली थी, वो हमारी एक जनाब गर्लफ्रेंड थी, इन्हीं की एक सेक्रेटरी थी जिन पे भाईजान का दिल आया हुआ था। तो हमें जर्मन लेडी जो थी बाजी जी चला रही थी, पिक्चर आप उनकी देख भी रहे हैं, ये पाकिस्तान को चला रही थी। चूँकि ये पैरालाइज थे, सिस्टम इनके हाथ में था। अच्छा, इनसे जब रिज़ाइन लिया गया तो ये कहते हैं जी मैं रिज़ाइन कैसे करूँ, मेरा तो हाथ भी काम नहीं कर रहा। तो कहते ये हैं अयूब खान को भेजा गया रिज़ाइन के लिए, और उन्होंने इनके पता नहीं हाथ पकड़ के किया या खुद ही साइन कर दिया, जो भी हुआ बहरहाल रिज़ाइन इनसे ले लिया गया और ये डिसमिस हो गए। इसके बाद पाकिस्तान का एक डार्क चैप्टर जो है वो शुरू हो जाता है। अगली पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, और वो जो पर्सनैलिटी है इनका नाम जैसे मैंने पहले ही बताया, थर्ड पर्सनैलिटी जो है वो होंगे सिकंदर मिर्ज़ा होंगे, और ये मेजर जनरल थे पाकिस्तान के, और इनका हम एज आ फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। 55 में शुरू हुआ और 58 में इनका पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। सक्सेसेस की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वन यूनिट स्कीम जो थी ये इंट्रोड्यूस करवाई। वन यूनिट स्कीम क्या थी, अगर हम इसको बुकिश नॉलेज से हट के बात करें, मैं पहले वही बात करूँगा, वो ये था कि हमें पेट में मरोड़ पड़ रहे थे इस पाकिस्तान के, क्योंकि इस पाकिस्तान की पॉपुलेशन 55% थी। उनका हमें डर ये था कि अगर उनको सीट्स मिल गई तो इस पाकिस्तान के जो लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी वहीं से बनेगा, और पूरा एक सिस्टम हो सकता है वहाँ का, प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ स्टेट जो है वो वहाँ का बनेगा, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी का बजट भी देंगे, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो है सारी वेल्थ को कंट्रोल करके बैठेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लान ये किया कि हम वन यूनिट स्कीम लेकर आए। वन यूनिट स्कीम के अकॉर्डिंग ये था कि ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट होगा और वेस्ट पाकिस्तान में सारे प्रोविंस ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक यूनिट वेस्ट पाकिस्तान का बनाया जाएगा। सो ये वन यूनिट स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। थोड़ा सा इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस वन यूनिट स्कीम से ये था कि थोड़ी किसी हद तक जो है सीट्स का इशू भी सॉल्व किया गया, और किसी हद तक जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सो कॉल्ड आप कह लें एक गैप जो है वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, वो प्रॉपर एक सक्सेस है, नो डाउट एक सक्सेस है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली पाकिस्तान को 9 ईयर्स के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। 23 मार्च 1956 पाकिस्तान को जनाब पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब ये कहा गया कि पाकिस्तान एक फाइनली रिपब्लिक कंट्री बन गई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम रखा गया, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो उसका जो है प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ भाईजान के अंदर मौजूद थी, लिहाजा वो जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। अब गवर्नर जनरलशिप जो है वो पाकिस्तान में परमानेंट ख़त्म हो गई, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाया गया। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात कही गई कि उर्दू और जो बंगाली होगी ये पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो होगी, तो लैंग्वेज का भी इशू काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर रूरल डेवलपमेंट यानी कि रिमोट एरियाज़, गांव के अंदर तरक्की जो है वो होना शुरू हो गई। पाकिस्तान थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आया, नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्ड की गई पाकिस्तान के अंदर। कराची एयरपोर्ट 1955 के अंदर कराची एयरपोर्ट बनाई गई, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान को मॉडर्नाइज़ किया गया, अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो नए रोड्स बनाए गए, रेलवे नेटवर्क जो है वो इम्प्रूव किया गया, और पाकिस्तान में टेलीफोन सर्विसेज जो हैं इनको ना सिर्फ कुछ जगहों पे इंट्रोड्यूस किया गया, बल्कि जहाँ पे पहले मौजूद थी तो उनको और अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्रूव किया गया। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जहाँ पहले चल रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। तो ये इनके पीरियड की कुछ सक्सेसेज हैं। साथ ही साथ फेलियर की बात करें तो सबसे बड़ा फेलियर वन यूनिट स्कीम। वन यूनिट स्कीम को बार बार जितना भी कंडेम किया जाए इतना कम है। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों को रोकने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई, और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान बाद में हुआ, बल्कि कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इसी ने गैप जो है वो बनाना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा रूल है उस रूल को मैं तो कहूँगा अनडेमोक्रेटिक रूल है, यानी मार्शल लॉ पूरे का पूरा इन 3 सालों में एक तरह का मार्शल लॉ कंडीशन रही। खुद भी मेजर जनरल थे तो आर्मी के कंट्रोल में सारी चीज़ें रहीं। प्रॉपर जो है ये कहते थे पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कंट्रोल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जबकि हमें वन मैन वन वोट चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस सिस्टम को जो है डीरेल रखा, नहीं होने दिया, इस तरह की चीज़ जो है वो पाकिस्तान को के अंदर नहीं चलने दी। उसके अलावा देखा जाए तो इनके दौर में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, बहुत बुरे तरीके से रही। इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर
अपने दो साल के जो आखिरी दो साल उसके पीरियड के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के वो चेंज हुए। अब उनकी अगर हम लिस्ट की बात करें वो आप देख भी सकते हैं, चौधरी मोहम्मद अली जो कि पहले ये शुरू में उनको लेकर आए, फिर उसके अलावा सोहरावर्दी साहब जो कि जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, सोहरावर्दी साहब जो हैं उनको भी डिसमिस कर दिया गया, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया लेकिन उनको भी डिसमिस कर दिया। फिर इब्राहिम चंद्रीगढ़ जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनको भी डिसमिस कर दिया गया। फिर इसी तरह फिरोज़ खान नून साहब जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उनको भी जो है वो डिसमिस कर दिया गया। तो इससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो रही, इस पाकिस्तान के लोगों को बार बार जो है वो रियलाइज़ करवाया गया कि आप जो हैं हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी बन के रहेंगे, लिहाजा इस वजह से जो है वो उनके यहाँ गैप बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो इस पीरियड में कोई प्रॉपर आप कह लें कि वो सक्सेस हमें नहीं मिली। अच्छा, अब ये इस सिस्टम से जो इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को दिया था उससे खुद भी फेड अप हो गए, तो इनको एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पाकिस्तान का ठीक नहीं है, पाकिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, बना के देना चाहिए। तो और प्रेसिडेंट की पावर जो है ये भी कम है, तो पाकिस्तान को एक सेपरेट किस्म का प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो लाना चाहिए। लिहाजा इन्होंने अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 2 ईयर्स उसको एब्रोगेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अयूब खान। अयूब खान इनके साथ सपोर्ट कर रहे थे। तो अब क्या हुआ जी, दोनों ही आर्मी के जो लीडर थे इन्होंने, यानी दोनों आप समझ लें जो थिंक टैंक थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। 7 अक्टूबर 1958 पाकिस्तान का पहला फुल फ्लैज जो है ये मार्शल लॉ लग गया। वो बच्चे जिनको मार्शल लॉ की समझ नहीं आती उनको समझा दूं, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि आर्मी रूल करेंगी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो चलाने वाली आर्मी होगी और पॉलिटिकल जो सेटअप होगा अब वो पॉलिटिशियंस नहीं चलाएंगे बल्कि आर्मी अपनी मर्जी से चलाएगी, एक तरह की डिक्टेटरशिप होती है। और ये पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट किया गया, इसको इम्पोज़ किया गया और कुदरत को कुछ अलग ही मंजूर था। जो ये सिस्टम खुद अपने लिए जो है लाना चाहते थे वो नहीं चला सके और इनको जो है अयूब खान ने किक आउट कर दिया और अयूब खान जो है वो खुद आ गए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सारी पावर जो ये चाहते थे वो पावर्स उनको मिल गई। सो ये आपका पूरा मिनिस्ट्रीज़ का पीरियड है। मैं एक बात बच्चों आप लोगों को बड़ी क्लियर बता दूं, हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस थी अयूब खान के दौर में हुई थी, बड़ी एक क्लियर बात है, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। वो ये हैं कि जो एक्चुअल प्रोग्रेस थी वो पाकिस्तान के इन्हीं ये जो 9 से 10 साल थे इनमें हुई। नो डाउट इसके अंदर पॉलिटिकल चीज़ें ख़राब रही हैं, सारा कुछ ऐसा रहा जितना भी मैंने आपको बताया चीज़ें ख़राब रहें, लेकिन इन 9 to 10 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान ने प्रॉपर इसकी इकॉनमी को भी बूस्ट किया। आप फैक्ट्स उठा के देख लें, 10% GDP जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक नई कंट्री इमर्ज हुई हो और उसका 10% GDP बना हुआ, तो ये पाकिस्तान ने 1947 से 1957-58 तक जो है 10% अपना GDP बनाया। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, एक तो कोरियन वॉर स्टार्ट हो गई और उस वॉर के अंदर कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ही उनको दे रहा था और पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे थे और पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी खासी जो है वो बूस्ट कर रही थी। तो एक्चुअल जो बेस थी पाकिस्तान की और एक्चुअल जो ग्रोथ थी पाकिस्तान की वो इन्हीं 10 सालों में थी। बाद में आने वाले लोगों ने उसको कैश ज़रूर किया, नाम लेबल उनका लग गया, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान आगे जाता गया डिक्लाइन ही आता गया। खैर, ये यूनिट जो है इसका ये पार्ट मैंने यहाँ पे ख़त्म करना है। इसके बाद अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है जिसके अंदर अयूब खान को डिस्कस करेंगे, उनके 10 साल का जो पीरियड है उसको डिस्कस करेंगे, उनकी सक्सेसेस देखेंगे और उनकी फेलियर को देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सेक्शन 3 के ऊपर अपनी जो कमांड है वो बहुत अच्छी बना लें। इस दफ़ा 23 के अंदर सेक्शन 3 के अंदर से ही जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसके चांसेस जो हैं आप समझ लें 98% जो है वो बढ़ गए हैं। तो आप जल्दी से जो है आप लोग सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन जो है उसको भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अयूब खान को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।